आज डिस्कस करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के बारे में। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या है? काफ़ी सारे पॉइंट, और फ्यूल इंजेक्शन का मतलब होता है फ्यूल को इंजेक्ट करना किसी इंजन के अंदर। तो फ्यूल इंजेक्शन एक तरह का मेथड होता है जिससे हम किसी फ्यूल को एडमिट करते हैं किसी आईसी इंजन के सिलेंडर के अंदर, तो वो तो होता है फ्यूल इंजेक्शन। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, इसको हम MPFI सिस्टम भी बोलते हैं। तो MPFI सिस्टम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजन के अंदर। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इंजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। लगभग जो जनरली हम यूज़ करते हैं, ईच सिलेंडर, जो इंजन का सिलेंडर होता है, अगर वो तीन सिलेंडर है तो उसके पास तीन इंजेक्टर होंगे, चार सिलेंडर है तो उसके पास चार इंजेक्टर होंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये इंजेक्टर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ईच सिलेंडर के पास एक इंजेक्टर ज़रूर होता है MPFI सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से लगे होते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ये सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड के अंदर हमारे पास चार सिलेंडर हैं, तो ये सिलेंडर बोर हैं जो सिलेंडर हेड के अंदर हैं। तो ये चार हैं, तो मींस हमारे पास चार सिलेंडर हैं। ये हमने कवर किया हुआ है इनलेट मैनिफोल्ड से। ये होता है इनलेट मैनिफोल्ड जो हमारे सिलेंडर हेड के ऊपर होता है। ये है हमारे इनलेट वाल्व या इनटेक वाल्व, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमारे फ्यूल को अंदर ले जाएंगे इस सिलेंडर हेड के, इस इंजन को देंगे। यह है इंजेक्टर्स। अगर हमारे पास चार सिलेंडर हैं तो हमारे पास चार इंजेक्टर हैं फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए। ये इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्ट होते हैं और ऊपर ये कनेक्ट होते हैं एक कॉमन रेल के साथ, इसको हम कॉमन रेल बोलते हैं, जो इनको फ्यूल सप्लाई करती है। यह है हमारा एयर के लिए। ये है एयर फिल्टर, जो एयर हमारी आएगी इस पैसेज से, ये भी हमारे इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्ट होती है। तो ये एयर जब आएगी और यहाँ से फ्यूल आएगा तो इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे क्रिएट होता है और इस इनटेक वाल्व के थ्रू वो इंजन के अंदर चला जाता है। ये है मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर। मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो हमारा कनेक्ट होता है इन चार इंजेक्टर के साथ थ्रू पाइप्स। तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये इंजेक्ट करता है फ्यूल, इन इंजेक्टर को देता है, जैसे पहले को दे देगा, तीसरे को दे देगा, दूसरे को दे देगा, चौथे को दे देगा। तो ये मीटरिंग डिवाइस है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये इंजेक्टर को फ्यूल देता है, ज़्यादा कम ये पूरा कैलकुलेट करता है और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इन इंजेक्टर के पास अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन। ये हमारा कनेक्ट होता है प्रेशर कंट्रोलर के साथ। प्रेशर कंट्रोलर क्या करता है, प्रेशर को देखता है कि जो फ्यूल का प्रेशर है वो सेफ है, अच्छा है, जो मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ये हमारा कनेक्ट होता है फ्यूल पंप के साथ। फ्यूल पंप हमारा फ्यूल को पंप करता है और आगे भेजता है। फ्यूल पंप हमारा कनेक्ट है फिल्टर के साथ। फिल्टर हमारा जो फ्यूल होगा उसको फिल्टर करेगा और फ्यूल पंप के पास भेजेगा। फिल्टर हमारा कनेक्ट होता है फ्यूल टैंक के साथ। फ्यूल टैंक में हमारा जो फ्यूल भरा होता है ये होता है। अब जो प्रेशर कंट्रोलर वाल्व है, ये हमारा फ्यूल टैंक से दोबारा से कनेक्ट होता है इस पाइप के थ्रू, इसको हम बोलते हैं रिटर्निंग पाइप। जब हमारा फ्यूल यहाँ से जाता है फिल्टर के पास, फिल्टर से पंप के पास और पंप से प्रेशर कंट्रोलर के पास, अगर हमारा जो फ्यूल है वो एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो वो इसको वापस भेज देता है टैंक के पास और जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फिर वो आगे भेजता है मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो देखते हैं इसकी वर्किंग। फ्यूल पंप हमारा फ्यूल को सक करेगा इस टैंक से, उसको पंप करेगा। जब हमारा फ्यूल फिल्टर के पास जाएगा तो फिल्टर उसे फिल्टर करेगा, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं
जो डेब्रिज है उसको अलग कर देगा। तो उसके बाद ये जाएगा हमारा फ्यूल पंप के पास। फ्यूल पंप इसको आगे सप्लाई करेगा प्रेशर कंट्रोलर को। प्रेशर कंट्रोलर इसको चेक करेगा कि प्रेशर जो है वो इनफ है या ज़्यादा है। तो वो अगर ज़्यादा है तो वो ऑयल को, जो ऑयल एक्सेस में आया है, उसको वापस भेज देगा फ्यूल टैंक के पास। तो वो फ्यूल टैंक के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा कंट्रोल में है प्रेशर और ऑयल, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, वो चला जाएगा हमारा मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ये हमारा जाएगा मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू जो हमारा फायरिंग ऑर्डर है इन सिलेंडर्स का। तो मान लीजिए ये जो मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर है वो पहले इंजेक्टर को फ्यूल देता है और फ्यूल सप्लाई करता है। जैसे ही फ्यूल सप्लाई इसको ये पहले इंजेक्टर को करेगा, इंजेक्टर आगे उसको स्प्रे कर देगा। तो ये जो इनलेट वाल्व है हल्का सा ओपन हो जाएगा, जिससे यहाँ पे जो इंजेक्टर है फ्यूल की सप्लाई स्टार्ट कर देगा। उसी टाइम क्या होगा, जो हमारा ये एयर वे है, यहाँ से एयर आएगी जो फिल्टर होके आएगी, और ये एयर हमारी मिक्स हो जाएगी इस फ्यूल के साथ जो इंजेक्टर इंजेक्ट करेगा। इंजेक्टर बहुत ही फाइन स्प्रे के अंदर फ्यूल को स्प्रे करता है, जिससे ये इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और ये इस इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर चली जाएगी। तो अंदर जो फायरिंग ऑर्डर होगा उसके हिसाब से वो फायर हो जाएगा, कंबर्शन होगा और इंजन हमारा वर्क करने लग जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर, ये तो पहला है। इसी तरह से हम दूसरी स्टेज देखते हैं। जब मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर इसको देना बंद करेगा, जो फर्स्ट इंजेक्टर है इसको फ्यूल देना बंद करेगा, तो वो सप्लाई करेगा मान लीजिए दूसरे इंजेक्टर को। तो उस टाइम सिर्फ फ्यूल जाएगा दूसरे इंजेक्टर के पास, और यहाँ पे इंजेक्टर जो है वो उसी तरह से इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा फ्यूल को। और जो ये एयर वे है, यहाँ से एयर सप्लाई होगी। अब जो एयर है वो इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगी और वो इसी की तरफ आ जाएगी जो हमारा सेकंड इंजेक्टर है, और इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते रहते हैं, जो हमारा ये मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इससे क्या होता है, जो हमारी इंजन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, जो हमारा फ्यूल है वो बचता है। तो इसलिए MPFI सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है, इस इंजेक्टर और इस एयर का जो मिक्सचर है तीसरे सिलेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, चौथे सिलेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर उस हिसाब से काम करता रहेगा। तो ये था मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। थैंक यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।